में आप लोग एंड तक बने रहना, और जो भी मेरा लाइफ जर्नी है, लाइफ स्टाइल में आप लोगों से दिखाती रहती हूँ। और आप लोग जो है मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे। और बहुत दिनों से बना रही हूँ, बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे सपोर्ट करें। और जैसे कि मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ, वीडियो हर रोज़ अपलोड करूँगी, ऐसे मैं अपने वादे पर पूरा कर रही हूँ। मैं हर रोज़ अपलोड करती हूँ, मगर आप सबके प्यार नहीं मिल रहा। देख सकते हैं मेरी तबीयत खराब है, मेरी आवाज़ भारी भारी आ रही है, खांसी जुकाम बुखार सब चल रहा है, फिर भी मैं आप सब के वादे पे मैं वीडियो हर रोज़ अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों के साथ नहीं मिल रहा। बहुत दिनों से मैं अपना चैनल बना रखी हूँ, कम से कम 12-13 महीना हो गया, कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं करे आप लोगों ने। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कई रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए मैं क्या कर रही हूँ आप सबसे दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, ये मछली आया था बिकने के लिए, तो मैंने मछली ले ली और उन्हें काट के भी दिन नहीं दिया, तो मैंने ये कहते होंगे जो ये देख लिया, तो इसमें कहीं अंदर का जो होता है निकाल दी। और यहाँ पे मैंने केरल में ना मैंने देखी मछली ऐसे ही बनाते हैं लोग, इसको काट के ना अलग नहीं निकालते हैं लोग, इसके अंदर के निकाल लेते हैं और फिर ऐसे बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने काट रखी हूँ मछली, और ये प्याज काट रखी हूँ, लाल मिर्च था, हरी मिर्च मतलब लाल हो गया, इसमें अदरक लहसुन कूट के रखी हूँ। और ये शकलगंजी है, तो इसके अब जा रही हूँ मैं धो के, कल भी उबाली थी आज भी उबाल दे रही हूँ, बाकी के जो है वो बच्चे खाएंगे। बाकी ये टमाटर हरी मिर्च मंगाई, तो चलिए बाकी की तैयारी करती हूँ, आप लोग ब्लॉग्स में बने रहें। और देखिए मेरे बेटी क्या कर रही है, अपने गुड्डे को लेके वहाँ पे खड़ी है। बाय करो बच्चा, जब भी कहती है तो बाय करती है, चुम्मी दे दो। अरे वाह, और दो लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाय करो। सो फ्रेंड, ये बच्चे परेशान कर रहे थे, तो बच्चों के लिए मैंने कहीं पहले तल दूँ कचरी। तेल गरम रहता है तो कितनी आसानी से मछली पलट जाता है। अरे मुझे मछली दे दो। जा पहले नाक साफ करके, मुंह धो के आ, बड़ा आया मछली खाने गंदा मुंह से। देख सकते हैं मछली का मसाला भून रही हूँ, और यहाँ पे ना मिक्सी है और ना सील है, तो हम इसको ऐसे कर कर के करछी की मदद से मिक्स कर दें, क्योंकि हमें ग्रेवी अच्छा चाहिए। तो इसको आराम आराम से भून के और करछी से मैं मिक्स कर रही हूँ। मसाला भून चुका है, देख सकते हैं। सो फ्रेंड, घर तो है नहीं कि घर पे हर चीज़ मिल जाता है, और घर पे तो हर चीज़ है, सील भी है, मिक्सी भी है, और किराए में दोबारा इसलिए नहीं ले रहे, जो ले लेके क्या फ़ायदा, ले लेके इतना सामान दौड़ना पड़ता है। तो बस मसाला हमें जितना भी चाहिए उतना भी तैयार हो गया, और इसमें डाल देते हैं मच्छी, बस पानी डाल के मैं मछली मसाले में डाल दी। और ये जा रही हूँ धोने के लिए, धो के फिर काटूँगी। और ये काम पे से आ गए, दो मछली के पीस मैंने, देख सकते हैं मैंने रख दी, इसको फिर से तलना पड़ेगा, तल के फिर उनको देना पड़ेगा। और मछली तला हुआ मैं उनको ना दूँ तो उन्हें खाई लेनी होता है, जब भी मछली आए तो उनको मछली तल के देना पड़ता है, तो इसीलिए वो रख दी। बाकी के मिलते हैं बाद में, अभी बने रहें आप लोग ब्लॉग्स। Yeah.
उबाली, उबाल के अभी भी निकाली हूँ, देख सकते हैं भाफ निकल रहा है इसमें से। और खाना उन्हें बन के अब तैयार हो गया, अब चलते हैं सब खाना खाने। आइए आप सब लोग भी खाना खा लीजिए, देख सकते हैं इतने सारे बर्तन हो गया है खाना बनाने पर से। अब ये बर्तन को मैं अभी धोऊंगी और यहाँ पे उस वाले बाल्टी में खंगारूंगी इस पानी से। घर में ही बैठ के बर्तन धो रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर, तो यहीं पे ही धो लेती हूँ, उधर दूर ले जाना पड़ता है बाहर, इसीलिए। खाना खा लिया, अब फ्रेंड चाय बन रही है। आप जब तक ये खाना खाने के बाद में खाएंगे ये शकरकंजी, बच्चे तो खा लिए। मैं इसे छील के रख दूँ पहले प्लेट में। लो खाओ चाय। साल क्यों हो रहे हो? बच्चे खा के सो गए, वो शकरकंजी खाना खा के शकरकंजी खाए फिर सो गए। ये पन्नी कैसे हो रही है, गिरा दे रही है बार बार बेटी। मेरा बच्चा इधर देखो, खांसी हो रहा है। सो फ्रेंड ये मेरे लड़की बाल देखो कैसे हो रखा है, खाना तक नहीं खा पा रही, इतने ज़्यादा खांसी, इतने ज़्यादा खांसी हो रही है, तो परेशान है। मेरे भी आवाज़ देख ही सकते हैं कैसा हो रही है। और बेटी भी, इसका भी बुखार, उसे बुखार, मुझे खांसी। ये खांसी का सिरप आप लोगों से दिखाती हूँ। ये पहले तो एक आया था खांसी के सिरप, उससे सही नहीं हो पाया, फिर ये एक एंटीबायोटिक और एक ये खांसी का सिरप, ये भी ख़त्म होने वाला है और कुछ नहीं हो रहा। इतने परेशान है, क्या शहद नहीं मिला? क्या शहद? सर शहद कहीं नहीं पा रही है, तो लोग क्या क्या देगा लो? मैंने मोबाइल में सर्च करके देखी तो बता रहे कि शहद गर्म पानी में करके दो तो सही हो जाएगा, तो भेजी इसे मंगाने के लिए, तो ये शहद कह ही नहीं रिया, सर कह रिया। बेटी इसमें चाय पी रही। सो फ्रेंड इसको समझ में नहीं आ रहा तो लिख के दी मधुमक्खी वाले शहद, कहना शहद इस, पता ही नहीं चल रहा। जा बाल कैसे ढक रखा आँखों के, इतने बच्चे परेशान हैं, इतने में परेशान हूँ क्या बताऊँ मैं। ऐसे खांस रही है, देख रहा, इतने दवा देने पे भी इतने परेशान है। नाश्ता कर रही थी तो नाश्ता नहीं कर रही, अब लिखेगी? अच्छा बच्चा पढ़ने लगा मेरा, मेरी जानू पढ़ रही, चुम्मी 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 मेरी जान, चुम्मी दे दो पढ़ने।